आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैंने बताया कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, वो एक सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर होने का मतलब क्या है कि उसका अपना कोई धर्म नहीं है, यानी स्टेट किसी धर्म को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सारे सारे धर्मों की रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सारे धर्मों को समान रूप से समझेगा, ठीक है। इंडिविजुअल जो उसके सिटीजन हैं, उनका जो इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, सबका अधिकार क्या है? उनका अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें। ये राइट आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। अलग अलग तरीके से दिया हुआ है किस किस फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करना है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करें आर्टिकल 25 से। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात और लेकर आएंगे, समझ में आएगा आपको, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है या रिलीजन को का रिलीजियस फ्रीडम का जो सेगमेंट है, वो आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक, कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक। और ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। किसमें डाला गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लेकिन हमारे प्रीएम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बनाया तो सेकुलर वर्ड नहीं था, जो कि बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, ठीक है, है कि नहीं? तो क्या हमारी कंट्री सेकुलर नहीं थी? अगर प्रीएम्बल में नहीं तो क्या सेकुलर नहीं था? नहीं, बिल्कुल था, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं और ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं, तो यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, हरी वासन। अब आर्टिकल 25 किस जो है, वो पहले जो सिटीजन इंडिविजुअल उसको रिलीजियस राइट देता है कि उसको किस किस चीज का राइट है, क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये भी उसमें है, ठीक है। आर्टिकल 26 जो है वो ग्रुप राइट की बात करता है कि ग्रुप जो है, कोई सेक्ट है तो उसको, यानी इंडिविजुअल तुम्हारा अकेला क्या अधिकार है, ये आर्टिकल 25 के अंदर। 26 के अंदर ये है कि भाई तुम ग्रुप में हो, जैसे पूरा सेक्ट एक मुस्लिम सेक्ट है या कोई और बरेलवी है, द्विमंदी है, या इसी तरह से हिंदूज में दुनिया भर के सेक्ट्स हैं, तो वैष्णविस्ट हैं, सिविस्ट हैं और दुनिया भर के ना, तो ऐसे जो सेक्ट्स हैं उनका क्या अधिकार है, उनके राइट्स की, ग्रुप राइट्स की, मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स के बारे में, क्योंकि एक ग्रुप रिलीजियस अफेयर्स वगैरह को मैनेज करता है, तो उस ग्रुप के अधिकारों के बारे में बात, ठीक है, कि कैसे किया जाएगा। 27 जो है उसके अंदर एक बात ये की गई है कि भाई आप जो है टैक्स का पैसा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स आप लोग सभी दे, तो किसी भी रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट करने के लिए तो खर्च नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि आप सारे रिलीजन को प्रमोट करो, अगर आप मंदिर बनवाओ तो मस्जिद भी बनवाओ, गुरुद्वारे भी बनवाओ, तब तो कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि टैक्स का जनता का पैसा है तो उसको आप किसी एक सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अब आता है इसके बाद में 28वां आर्टिकल। अब कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक, वो उसको फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, आइदर फुल्ली और पार्शियली, चाहे पूरी तरह से फंडिंग आ रही है और चाहे पार्शियली आ रही है, किसी भी तरीके से जो है, किसी भी तरीके से जो स्टेट है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फंडेड बाय द गवर्नमेंट हो फुल्ली या पार्शियली, किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी रिलीजन नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपैरेटिव स्टडी नहीं की जा सकती रिलीजन की। जैसे एक होता है एक पर्टिकुलर रिलीजन आपने चूज कर लिया, हिंदूज, मुस्लिम, इस्लाम, कुछ भी, और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, उसमें आपने सिर्फ उसी रिलीजन के बारे में आप पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी नमाज कैसे होगी या पूजा कैसे की जाएगी और ये वो शास्त्री सब, है ना, तो ये अलाउड नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट के, जो फंडेड बाय द गवर्नमेंट हो, चाहे फुल्ली हो चाहे पार्शियली हो। आप क्या पढ़ाएंगे, या तो सारे रिलीजन कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे, सारे रिलीजन की बातें पढ़ाएंगे, या तो फिर कुछ नहीं पढ़ाएंगे रिलीजन, सिर्फ सेकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये आर्टिकल 28 कहता है। तो 25 इंडिविजुअल, आपके क्या अधिकार है रिलीजन को लेकर,
26 ग्रुप को क्या अधिकार है मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स 27 टैक्स का पैसा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया जाएगा या तो सारे रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा ठीक या तो किसी को नहीं किया जाएगा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे जो कि गवर्नमेंट फंडिंग करेगी उसमें क्या होगा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पर्टिकुलर रिलीजन का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा ठीक क्लियर है बात समझ आ गई मदरसा फंडिंग बाय द गवर्नमेंट थोड़ी माइनॉरिटीज का एक अलग कहानी है माइनॉरिटीज की कहानी अलग है ठीक है अभी वो आर्टिकल 29-30 में उनको प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज को ठीक है मदरसाज वगैरह जो है या इस तरह की चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट की फंडिंग हो रही है तो उसमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है जामिया भी है फंडिंग ले रहा है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो वहाँ पे अपने कल्चर को माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में दिया हुआ है और 30 में दिया हुआ है कि माइनॉरिटी का कल्चरल मतलब रिलीजन भी हो गया उसमें सब आ गया एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपना अगर प्रमोशन के लिए अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए या अपने रिलीजन अपने कल्चर को बचाने के लिए अगर वो कोई मतलब काम करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 वो स्टार्ट करते हैं तो उनको उसमें आप गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी ना ही उसको बंद कराने की कोशिश करेगी ना ही और उसको अगर फंडिंग उसको भी फंडिंग देगी यानी उसको प्रमोट करेगी क्योंकि आर्टिकल 30 यह कह रहा है ये फंडामेंटल राइट के अंदर में मेंशन है लेकिन इन जनरल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना मना है ठीक है मतलब इन जनरल ना कि माइनॉरिटीज के लिए माइनॉरिटीज को क्योंकि मेजोरिटी जो है उसको तो अपने उसको प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका वैसे ही प्रोटेक्टेड है लेकिन अगर माइनॉरिटी है तो उसको प्रोटेक्ट करना है नहीं तो वो उसको मेजोरिटी खा जाएगी खत्म कर देगी तो बात समझ में आ गई तो आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक तो रिलीजन की फ्रीडम की बात है और 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं और माइनॉरिटी चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो चाहे रिलीजन और कल्चर के बेसिस पर हो ठीक जैसे कि मुस्लिम भी माइनॉरिटीज में आते हैं सिख भी माइनॉरिटीज में आते हैं ठीक है पारसी भी आते हैं इस तरह से तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे तो आर्टिकल सबसे पहले हम डिटेल में जो बात करने जा रहे हैं वो आर्टिकल 25 का है तो 25 का मेरे स्लाइड्स खोल लीजिए आप लोग आर्टिकल मतलब ये वाला जो जिसमें मतलब सेकंड पेज 21 स्लाइड में से सेकंड पेज फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है आर्टिकल 12-35 एंड आर्टिकल 12-35 में पूरा पार्ट 3 है और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ठीक है और इसके अंदर एक केस भी मैंने मेंशन कर दिया है कि एसआर बोमई केस एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है ये बोलता है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आपको पता है केशवानंदा भारती के अकॉर्डिंग अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता है ये तो पता है आपको ठीक है और यानी सेकुलर कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता इंडिया की उसके अलावा जो है आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है वो माइनॉरिटीज राइट तो आप आ जाइए आर्टिकल 25 और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आर्टिकल 25 की प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ठीक है क्या दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कितने वर्ड्स हैं वर्ड्स को जरा ध्यान दें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ योर रिलीजन ठीक है यानी कि आपको अधिकार है किस चीज का कंसाइंस का अब इन सबरे वर्ड्स को समझने की जरूरत है कंसाइंस का अधिकार है कंसेंस का फ्री प्रोफेशन का प्रैक्टिस का एंड प्रोपोगेशन का ये जो वर्ड्स हैं इनको जरा समझिए कंसाइंस का मतलब क्या होता है डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइंस कंसाइंस का मतलब ध्यान रखिए इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड और क्रिएचर इन वाट एवर वे ही डिजायर आप ईश्वर के साथ कैसा संबंध अपना रखना चाहते हैं पर्सनली आपकी फीलिंग क्या है ईश्वर को लेकर या क्रिएचर को लेकर इसके ऊपर किसी तरह का कोई इसका आपको फ्रीडम है और किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया जा सकता पता गई समझ में यानी कि आपका इनर फ्रीडम है इंडिविजुअल हैं आप आपका रिलेशन गॉड से कैसे रखना है किस तरह से आपको पूजा करना है आप क्या नाम है चाहे जिस तरह से पूजा करना चाहें आप जिस तरह से उसको खुश करने की कोशिश करना चाहें वो आप कर सकते हैं ये आपका इनर है चाहे आप नमाज पढ़ के करें चाहे आप ऐसे ही मन मन में याद करें चाहे कैसे भी करें ठीक है वो आपका अपना पर्सनल च्वाइस है जिसको इंटरफेयर जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है आपको ये बात समझ में आ रही है तो यहां पे बात है कंसाइंस और इनर फ्रीडम
कंसाइंस ऑफ और इनर फ्रीडम का मतलब क्या है कि कंसाइंस का मतलब समझ में आ गया, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड, ठीक, यानी ईश्वर के साथ उसका कैसा रिलेशन है वो आपका अधिकार है, यानी कि आप जैसा मर्जी वैसा आप ईश्वर से अपने बात करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, ठीक। दूसरा यह है कि फ्री प्रोफेशन, इसका आपको अधिकार है। फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या है कि आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने रिलीजियस बिलीफ को और फेंथ को ओपनली एंड फ्रीली, कि मैं कह सकता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, अपने रिलीजियस बेथ को ओपनली एंड फ्रीली कह सकते हो। इसके लिए आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई आपका को परेशान नहीं करेगा, राइट। किसी तरह का मतलब ये जो स्टेट है वो उसका वायलेशन नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं अपनी प्राइवेटली आप प्रैक्टिस करो, आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप मुस्लिम हो, नहीं, आप बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हो कि यू आर मुस्लिम और हिंदू और सिख और ईसाई, ठीक है, यू हैव ऑल द राइट फॉर दिस, राइट। उसके बाद में क्या होता है कि आपका आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब परफॉर्म करना। अब उसमें चाहे आप रिलीजियस वर्शिप का परफॉर्म करना, रिचुअल सेरेमनीज और एग्जीबिशन बिलीफ, अपने आइडियाज़ को कुछ भी करो, चाहे आप नमाज पढ़ के दिखाओ परफॉर्म करके, चाहे आप रोज़ा रख के दिखाओ, चाहे आप पूजा पाठ करके दिखाओ, चाहे आप यज्ञ करके दिखाओ, चाहे कोई रिचुअल और सेरेमनी आप प्रैक्टिस करो, इस प्रैक्टिस का भी आपको पूरा अधिकार है। यानी कि आपने आपके अंदर की जो फीलिंग है वो कंसाइंस है, आपने सबको बोल दिया कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, फिर आपने उसको रिचुअल्स को प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गए या प्रैक्टिसिंग हिंदू हो गए, आपने पूजा पाठ वगैरह या नमाज वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया, भी कर सकते हो, और फिर आपको लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने पाली है, इसको मैं और लोगों को भी बताऊं, ट्रांसमिशन करूं, लेकिन फोर्सफुली आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिलीजन की आप बढ़ाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रिलीजन बहुत अच्छा रिलीजन है, ऐसा वैसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रिलीजन की आप बुराई करेंगे, किसी का के सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आसान है या टफ है? आसान। तो ये बात आपको ये लिखने के लिए एग्जाम में आया है कि कंसाइंस का क्या मतलब होता है। अब इससे आगे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको, तो अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ फ्री, तो एक बार बताइए क्या है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रैक्टिस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ योर रिलीजन, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, यानी कि पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक, मॉरलिटी डिस्टर्ब और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंसान उसको राइट है, पूरा पूरा अधिकार है हर किसी को, ठीक है, ऑल पर्सन एंड इक्वली इंटाइटेड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्री फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन, ठीक है। अब नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी, सेकेंड क्लॉज, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट कोई लॉ नहीं बना सकती रिलीजन के खिलाफ, बना सकती है, ये कर सकती है कि रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएट विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। अब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई प्रोफेशन है, जैसे मान लो कि बीफ है, उसको बेचते रहे थे लोग, ठीक है, अब गवर्नमेंट को लगता है कि इससे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, तो वो इकोनॉमी फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या किसी सेकुलर एक्टिविटी के लिए जो कि रिलीजन से एसोसिएटेड है लेकिन कुछ लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है या इस तरह से कोई एक्टिविटी है, तो उसको उसके ऊपर कानून बना सकती है, उसको रोक सकती है या उसको प्रमोट कर सकती है कोई चीज़, ठीक है। इसी तरह बीफ को बैन किया है तो ये इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि कुछ लोगों का रिलीजियस सेंटीमेंट अगर हर्ट हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि अब ये देखा जाएगा क्या बीफ खाना या अल्कोहल पीना, जैसे इस्लाम में अल्कोहल मना है, अल्कोहल बैन कर दिया, तो उसमें क्या अल्कोहल पीना या क्या नाम है बीफ खाना, ये आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, ये सोचा जाएगा। आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट तो है नहीं, आपका रोज़ा नमाज ये सब चीज़ें हैं या आपका क्या नाम है पूजा पाठ और ये सब, कोई एसेंशियल तो है नहीं कि नहीं भाई आपका अगर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर आप शराब नहीं पियोगे तो, है, तो अगर ऐसा अगर नहीं है, ठीक है ना, कि क्या आपका कोई रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड द रिफॉर्म ऑफ थ्रोइंग ओपन, अब इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दिया है कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द क्लास एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज। ये कहा गया है कि सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए जितने भी लोग हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं, चाहे वो दलित हों, ठीक है, चाहे वो एससी एसटी हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे कोई भी हो, अगर वो हिंदू हैं, क्या है, तो सारे मंदिर जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक कैरेक्टर के हैं, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना है, जहाँ पब्लिक कैरेक्टर के हैं। पर्सनल प्राइवेट अपने घर में किसी ने मंदिर बनवा रखा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पे है, पब्लिकली वहां जाने का वो है, अगर सारे लोग जा रहे हैं हिंदू बहुत सारे, तो किसी को भी रिलीजन मतलब कास्ट का होने के बिना पर या किसी और तरह से क्लास होने के बिना पर आप उसको रोक नहीं सकते, सबके लिए ओपन है। ठीक, ये क्या है, बी, ओके, हिंदू होने, हिंदुओं के लिए। एक्सप्लेनेशन वन दिया है कि वेयरिंग कृपाण, कैरिंग कृपाण शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। जो कृपाण रखते हैं ना, कृपाण, अब आप ये कह सकते हो कृपाण से तो मार सकते हो आप किसी को, डेंजरस हथियार है, तो लेकिन उनको अलाउड है, किसको, सिक्स को अलाउड है। क्यों अलाउड है सिक्स को, क्योंकि उन्होंने उसको एसेंशियल पार्ट है उनके रिलीजन का, तो इसलिए मना नहीं है, ओके। और ये यही आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा है ताकि आपको, आप बाद में क्वेश्चन ना कर सको, ठीक, कि ऐसा ये वो है। उसके अलावा इन सब क्लॉज बी और क्लॉज टू द रेफरेंस हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड इन इंक्लूडिंग द रेफरेंस टू द पर्सन। हिंदू उसको भी कहा जाएगा इसमें, जो हिंदू की डेफिनेशन में सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, बौद्धिस्ट भी आएंगे। कौन आएंगे, वैसे तो सिख जैन बौद्धिस्ट जो है अलग अलग हैं, अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनको इस वाली आर्टिकल के तहत ये हिंदू की डेफिनेशन में रखा जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हिंदू को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, हिंदूज के अक्सर नेगेटिव डेफिनेशन है, वो क्या है कि द पर्सन, जैसे अगर हिंदू मैरिज एक्ट में वगैरह में और कहीं पे अगर डिफाइन किया गया है तो ऐसे किया गया है कि द पर्सन हु इज नाइदर मुस्लिम नॉर इस जू और क्रिश्चियन और पारसी, ही इज हिंदू इफ इज रेसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है। मतलब इस तरह से डिफाइन किया गया है, जो मुस्लिम मतलब कुछ लोगों को एक्सक्लूड करके बाकी सबको हिंदू बोल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सिख जैन एंड बौद्धिस्ट को भी हिंदूज की डेफिनेशन में आएंगे, एंड रेफरेंस टू द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। और इसीलिए सिखों का गुरुद्वारा, जैनों का टेम्पल और बौद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी इस डेफिनेशन के अंदर आएंगे और सबके लिए खुले होंगे, ठीक है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी चला गया तो उसको मारने का अधिकार तो नहीं है ना, मारा था तो क्राइम है ना, ऐसे तो आप मार नहीं सकते ना। आप अगर उसको आपको कोई गलत लग रहा है और आपने वहाँ पे कोई कानून है तो आप उसको कहे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है इससे, या जो भी आपका है आप उसको एफ आई आर करवाइए। आप वैसे तो किसी को मार नहीं सकते ना, वैसे ही इलीगल है भाई। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, कानून हाथ में लेने का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट बीट एनी वन, यू कैन नॉट टेक, चाहे कितना भी आपको शक हो, यहाँ तक कि आपके परिवार में किसी का मर्डर कर दिया हो किसी ने, तो भी आपको क्या करना है, एफआईआर करना है उसके खिलाफ, उसको पकड़ के अरेस्ट करके देना है, आपको थोड़ी ना उसको गोली मार देनी। ये है कि आप प्रोवोक होकर उस टाइम गुस्से में आपसे गोली चल गई और आपने मार दिया तो एक अलग इशू है, फिर भी वो क्राइम है, उसमें फिर क्या नाम है, सज़ा है उसकी, लेकिन कम है, एक्सेप्शन में आ जाता है, लेकिन फिर भी है तो ना क्राइम। तो कोई भी किसी को मारना पीटना या किसी भी तरह से, इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है, लीगल लगती है, तो आप पुलिस थाने में जाइए, आप वहाँ पे एफआईआर करवाइए, आप कंप्लेंट दीजिए, ठीक है। कोर्ट और जुडिशरी किसके लिए है, और क्या नाम है, पुलिस किसके लिए है, इसके लिए थोड़ी ना कि आप कानून अपने हाथ में लेकर घूमें, लोगों को के ऊपर डंडे बरसाते रहें, लोगों को क्या नाम है मारते रहें, हैं। और ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये इंडिया के अंदर कि मतलब वो कल्चर के ठेकेदार बनकर और उठा लेते हैं लाठी वाठी उठा के और मार कपल्स को या लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। आप मार नहीं सकते किसी को, ऐसे कुछ कर नहीं सकते, वो उसका फ्रीडम है, वो इंडिविजुअल, उसको अधिकार है। हाउ कैन यू बीट एनीवन। क्लॉज बी का भी तो अभी ये केस 2018 में था, साबरीमाला केस अभी आएगा, हाँ, एंटर करने के लिए। सब इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने आपको दिए हैं इसमें मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1958 का केस है। अब इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन उठा था कि काउ को सेक्रीफाइस करना, बकरीद दिन पे गाय सेक्रीफाइस करना, ठीक है, काउ को सेक्रीफाइस करना, ये एसेंशियल पार्ट मुस्लिम रिलीजन का नहीं है, ठीक है। आप बकरा, आप बहुत सारी चीज़ें कुर्बान कर सकते हो बकरीद डे पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा हो आप उसको
बलि दिया, क्या नाम है, कुर्बानी दो, ठीक है ना। तो इसलिए ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है, और इसलिए क्लॉज 2A और क्या नाम है आपका आर्टिकल 25A के तहत मतलब ये वायलेशन नहीं माना जाएगा रिलीजन का, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल पार्ट नहीं है। ओके अच्छा, इसकी तरह से आचार्य जगदीश्वरानंदा अवधूता, कौन है, आचार्य जगदीश्वरानंदा अवधूता वर्सेज स्टेट ऑफ ये कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता का केस है 1984 का। इसमें यह था कि आनंद मार्गी जो लोग होते हैं ना, जो नागा साधु वगैरह टाइप के लोग होते हैं, वो ह्यूमन स्कल लेकर, आदमी का जो स्कल है उसको, और तलवार लेकर, डेडली वेपन्स लेकर, ठीक है, वो क्या नाम है इधर उधर घूम रहे हैं सड़कों पे, ठीक है ना, जिससे लोग डर रहे हैं, लोगों को एक खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लेथल वेपन्स उन्होंने ले रखे हैं, ठीक है ना, तलवार त्रिशूल ये सब। तो इसको प्रोहिबिट किया गया सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ मॉरलिटी, एंड दिस इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आनंद मार्गी लेथल वेपन यानी घातक डेडली वेपन्स लेकर घूम रहे हैं या ह्यूमन स्कल घूम रहे हैं, ये कोई उनके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जरूरी पार्ट नहीं है कि उसको लेकर घूमेंगे तभी उनका रिलीजन प्रैक्टिस होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना। उससे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर उसकी वजह से कमिश्नर ने धारा 144 लगा के, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लगा के अगर उसको बैन किया या रोका, तो ये रिलीजन का वायलेशन नहीं है। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ये हमें नहीं रोक सकते, आप हमारा रिलीजन है, हमें रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। बोला ये एसेंशियल पार्ट नहीं है आपके रिलीजन का कि आप लेथल वेपन्स और इंसान की खोपड़ी लेकर वो घूमे, ठीक है ना, आप मंदिर में पूजा पाठ करें, ये है, ठीक है। तो ये केस, दो केसेस आपने देख लिए, एक मुस्लिम का हुआ है और एक ये हिंदुइज्म का केस है, ठीक है, हिंदू का मतलब आनंद मार्गियों का केस है। उसके अलावा फजरू वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 1998 का केस है, इसमें मुस्लिम ये कहा गया कि भाई मुस्लिम जो लॉ है वो तो अलग है, भाई हमें दो शादियों करने का अधिकार है या जो भी चार शादियां करने का अधिकार है या जो भी मुस्लिम के लॉज हैं वो है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉज भी या कोई भी कस्टमरी लॉ, ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट का से यानी पर्सनल लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट सारे जूजों से पावरफुल है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप अपने रिलीजियस राइट को वहां पे, अगर वो एसेंशियल नहीं है, अगर वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के तहत, तब तो अलग बात है। लेकिन जो मुस्लिम लॉ है, अब आर्टिकल 25 के तहत अगर आप मुस्लिम लॉ प्रैक्टिस, आपको कोई रोक रहा है, यार ये ठीक बहुत आ रही है, अचानक से। तो अगर आपको क्या कह रहा है कि फजरू वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में बोल रहा है कि अगर आर्टिकल 25 में है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर 25 में है तो का वायलेशन हो रहा है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, यहां तो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई और कानून है जो मुस्लिम लॉ है, ठीक है, मुस्लिम कस्टमरी लॉ है, आपके कहते हो कि भाई ये तो हमारा जो है अधिकार है और इससे किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये इम्यून नहीं है, ठीक है, ये कस्टम भी इम्यून नहीं है। अगर वो भी फंडामेंटल राइट से टकराएंगे तो दबेंगे, ठीक है, ओके, या चूर चूर हो जाएंगे। उसी तरह से विजय एनिमल केस है वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, नेशनल एंथम केस है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी अपहोल्ड ओनली इफ फॉल विद इन द एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 25। ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, इसको समझिएगा। विजय एनिमल केस में, इसको नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस केस है। इसके अंदर क्या था कि कुछ क्रिश्चियन बच्चों ने, ठीक है, नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, ठीक, और तो उन्होंने कहा तुम देशद्रोही हो, मतलब या उनको नाम काट दिया जाएगा या वो। तो उन्होंने कहा मतलब उनका आर्गुमेंट ये था कि देखिए आर्टिकल 25 के अंदर हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, नेशनल एंथम जो है वो प्रेज करता है मदरलैंड को या देश को, और हम अपने खुदा के अलावा किसी को, अपने ईश्वर के अलावा किसी को प्रेज नहीं कर सकते। क्या बोला, हम अपने ईश्वर के अलावा, अपना जो खुदा है हमारा, उसके अलावा हम किसी को प्रेज नहीं करते, इस तरह से प्रेज करते, लेकिन इस तरह से प्रेज नहीं करते कि उसको भगवान का कैटेगरी में रख दिया जाए।
चाहे वो मदरलैंड हो चाहे कोई भी हो। तो ये हमारा एसेंशियल पार्ट है, फंडामेंटल उसका क्या नाम है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और नेशनल एंथम नहीं गाएंगे। ठीक है, केस गया तो बोला गया कि देखिए रिलीजन जो है इसमें कहा गया कि अगर आप उन्हीं ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में। आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में क्या दिया है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी अगर डिस्टर्ब हो रही है तब तो आप किसी का रिलीजन फ्रीडम पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, देखें आप आर्टिकल क्लॉज 1 क्लॉज 2 देखें क्या है कि ठीक है, यानी डिसेंसी मॉरलिटी वगैरह के ऊपर है या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या किसी इस तरह की सेकुलर एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, इस तरह का कुछ है तब तो आप कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप उन्हीं चीजों के बेसिस पर कानून बना सकते हैं जो चीज ऑलरेडी आर्टिकल 21 पे एक्सेप्शन में दी हुई है। आप चाहें कि अब देखिए उसने उसका रिलीजियस फ्रीडम है वो किसी और के आगे सर नहीं झुकाएगा तो आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, अब चूंकि नेशनल एंथम गाना फंडामेंटल राइट सबसे पावरफुल है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, गाना नहीं, वो खड़े हो गए थे उन्होंने रिस्पेक्ट की, खड़े थे लेकिन गा नहीं रहे थे, ठीक, उन्होंने रिस्पेक्ट दी, आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल मतलब कोर्ट नहीं जा सकते आप, और फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है आर्टिकल 51A के अंदर लिखा हुआ है कि नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक, वैसे भी ड्यूटी है तो उन्होंने रिस्पेक्ट की लेकिन वो जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, और गाना कहीं भी नहीं लिखा कि टू सिंग इज अ मतलब एसेंशियल फीचर। तो गाना जरूरी नहीं है, रिस्पेक्ट करना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज से ज्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट, ठीक, और अगर उनको लग रहा है कि गाने से हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू रिलीजन वायलेट कर रहा है तो नहीं गाएंगे, क्योंकि 25 को अगर कोई मतलब हटा सकता है, 25 को अगर कोई डिफीट कर सकता है तो जो आर्टिकल 25 के ही एक्सेप्शन है वही कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे पावरफुल लॉ है ना, इससे ज्यादा है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में पावरफुल है तो वह है बेसिक स्ट्रक्चर। ना ही नेशनल एंथम को गाना बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं है ना। अगर आप नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने की बात करते हो तो फंडामेंटल ड्यूटी में है, और फंडामेंटल ड्यूटी तो जस्टिसिएबल भी नहीं है, जस्टिसिएबल मतलब कोर्ट भी नहीं जा सकते आप उसके बेसिस पर, तो आप उसको फंडामेंटल राइट से ज्यादा पावरफुल तो बता नहीं सकते। ठीक है ना, तो अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी प्रैक्टिस करने में अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो ना करे, प्रिवेल कौन करेगा फंडामेंटल राइट, समझ रहे हो बात को। तो ये बात यहां पे क्लियर हुई, क्लियर है आर्टिकल 25 समझ में आ गया ना। तो ये जो जबरदस्ती कोई कहे कि ये गाओ ऐसा कहो, बोले कोई कि भाई क्या नाम है इंडिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ऐसा कोई बोल रहा है, या भारत माता की जय कहना होगा या वंदे मातरम गाना होगा या इसी तरीके से कोई भी, तो आप ये चीज कह सकते हैं कि भाई अगर हमारा रिलीजन इससे वायलेट हो रहा है, हमारा खुद का रिलीजियस राइट, हमारा गॉड से जो रिलेशन है, कंसाइंस या फ्री प्रैक्टिस या प्रोपोगेशन या फ्री प्रोफेस करना, इसमें से कोई भी वायलेशन हो रहा है तो हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, और ये हमें अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद दे रहा है, कहीं लिखा है जय श्री राम कहने से आप देशभक्त होंगे या देशभक्त होंगे या देशद्रोही, यहां कहीं लिखा हुआ है कोई फंडामेंटल राइट के अंदर है? इन बारीकियों को जब आप समझेंगे तब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे लोग आपसे कहते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, क्या प्रूफ करने लग जाएंगे, आप कहेंगे मेरा ज्यादा वायलेशन हो रहा है इसको कहने से, भाई मेरा गॉड से जो रिलेशन है वो अलग तरीके का रिलेशन है। ठीक, मेरा गॉड से ऐसा रिलेशन कि जैसे मान लो मुस्लिम है तो उसको शिर्क नहीं करना है, या हिंदू है तो उसको अपने गॉड की पूजा करनी है, अब उसे आप कहो नहीं तू अल्लाह हू अकबर बोल, या उसे बोलो कि जय श्री राम बोल, तब तू भारतीय है तू इंडियन है, तो कहां पे भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि तब उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। आर्टिकल 25 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात है, वो आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात है, कहां लिखा हुआ है कि जय श्री राम कहना होगा उसमें तब सिटीजन होगे, लिखा है
या जे अल्लाह अकबर कहना होगा तो सीरियन होंगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो फिर कहीं कोई कानून बता दो जिसमें लिखा हो। और इंडिया में रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ एनार्की तो नहीं चल रहा ना, एनार्की तो नहीं चल रही, रूल ऑफ लॉ है। और जब रूल ऑफ लॉ है, आप समझ रहे बात, रूल ऑफ लॉ है तो हम रूल का वायलेशन करने पे ही हमें सजा मिल सकती है, बात समझ रहे हो? और रूल का वायलेशन मैंने नहीं किया तो सजा किस बात की दोगे आप मुझे? गेटिंग? तो मेरा फंडामेंटल राइट, इनफैक्ट अगर तुम मुझसे ये जबरदस्ती कहवा रहे हो तो तुम मेरा राइट टू कंसाइंस का, प्रैक्टिस का, फ्री प्रोफेशन का, इसका वायलेशन कर रहे हो आप। मेरा आर्टिकल 25 जा रहा है, मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते इसके लिए, जस्टिसिएबल ही नहीं है जो बात तुम कह रहे हो। और मैं जो कह रहा हूं वो तो मैं सुजायर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं उसके लिए, मेरा इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है इससे, तो वायलेशन किसका हो रहा है? जिससे कहलवाया जा रहा है जबरदस्ती। आर यू गेटिंग? उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रही है, उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ में आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है। इतने फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो, सबसे पावरफुल लॉ ये है। मैं क्यों कहता हूं आप लोगों को कि भैया फंडामेंटल राइट समझ लो और सावधानी से समझ लो, ताकि आपको नेचुरली बातें समझ में आए, नहीं तो सिर्फ आर्टिकल 25 ऐसे ही पढ़ लोगे, बस हो गया काम, हो गया, हाँ भैया हो गया, ठीक है ना, क्लियर? अब आ जाइए, अब आज समझ में आया, आर्टिकल 25 इज अ वेरी पावरफुल टूल दैट यू हैव, एंड ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ा टूल है, सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा पैकर है, यानी बहुत बड़ा माउंट है सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। और सेकुलरिज्म क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर कोई कह रहा है कि इस रिलीजन को जबरदस्ती प्रैक्टिस करो तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर तक का वायलेशन है ये। आप बात समझ रहे हैं? आर्टिकल 26 देखें, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, स्टेट टू सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। सीमा हो तुम लाइन पे, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है सीमा? अच्छा चलो तुम ही समझ लो यार, और कोई तो सब सब लोगों का फोन ही स्विच ऑफ है, क्या करेंगे सब, मतलब स्विच ऑफ या बैटरी कम है, लाइट नहीं है ना, तुम ही समझ लो। चलो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, उसको डाल दूंगा। आर्टिकल 26 देखिए, चलिए बंद कर लीजिए भाई। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स क्या है? सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, पहले लिख दिया सब्जेक्ट टू द ऑर्डर, सब्जेक्ट मतलब क्या है कि इसको ध्यान में रखते हुए, राइट, एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल द राइट, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो या कोई सेक्शन उसको राइट होगा क्या? पहला, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। आप कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना चाहो, बनाना चाहो, एस्टेब्लिश करना चाहो, ठीक है, रिलीजियस हो या चैरिटेबल हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। आपको अपने रिलीजन के मैटर को बी क्लॉज में, मैनेज टू ऑन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, अपने जो अफेयर्स हैं रिलीजियस अफेयर्स उनको मैनेज करने का अधिकार है, ठीक है। सी में आपको हर एक रिलीजन को, हर एक सेक्ट को यह अधिकार है कि वो एक्वायर कर सकता है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मस्जिद के नाम पर कोई जमीन ले सकते हो, कोई पंखा, बिजली, कुछ, ठीक है ना, कर सकते हो। उसके अलावा टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद लॉ, और ऐसे जो है प्रॉपर्टी को आप ऐसे मैनेज करो कि लॉ का वायलेशन ना हो, ठीक है, ठीक है। तो आपको अधिकार है कि आप मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ या कोई चंदा करो या क्या नाम है वो पंडाल लगाओ या जो भी करना है, अपना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदो, जमीन खरीदो उसके नाम पर, सब कुछ कर सकते हो, सबको अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 25 मैंने बताया कि एज एन इंडिविजुअल राइट क्या है, मैंने बोला इंडिविजुअल राइट है, और आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट है, मुझे सेक्शन का राइट है, मतलब, ठीक है, बात समझ में आ गई है भाई। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम किसको रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे, उसके लिए तीन कंडीशन। पहला, इट शुड बी द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सिस्टम ऑफ बिलीव एंड डॉक्ट्राइन दैट दे रिगार्ड एज अ कंड्यूसिव एंड द स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब एक सिस्टम
उनका जो ग्रुप है उसका एक सिस्टम होना चाहिए बिलीफ का, एक अलग तरीके से बिलीफ होना चाहिए, ठीक है, एक अलग सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए उसका, डॉक्ट्राइन होनी चाहिए, ठीक, कि मतलब एक तरह से पर्टिकुलर तरीके से वो पूजा करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से रहते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीजें, गेटिंग। दूसरा, उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, उनका अलग नाम हो और अलग तरीके से अलग नाम हो और उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता हो, अलग किया जा सकता हो, ठीक। तो इसको सब क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, क्योंकि वो अलग तरीके विद इन हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन में इनका तरीका अलग है, इनका नाम अलग है, तो ये जो है क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है अंदर हिंदू रिलीजन, ठीक। रामकृष्ण मिशन एक मिशन है और आनंद मार्ग है, ये एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं लोग, अपना अपना इनका अलग तरीका है, रिचुअल है, डॉक्ट्राइन है, सोच है, ठीक है ना। तो ये हिंदू रिलीजन के अंदर एक अलग तरह से इन्होंने डिनोमिनेशन माना है, लेकिन एक अरविंदो सोसाइटी बनाई गई थी उसको बोला ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, ये हिंदुइज्म का ही पार्ट है, इसका कोई अलग से डॉक्ट्राइन वगैरह नहीं है, ना ही सिस्टम ऑफ बिलीफ है इस तरह से, तो अरविंदो सोसाइटी को उन्होंने रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करेगा कि किसको हम रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, वो किस बेसिस पर, ये देखेंगे कि रिलीजियस डिनोमिनेशन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मतलब एक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, अब ग्रुप है तो उसको ये अधिकार है कि भाई वो मैनेज करे, क्या क्या अधिकार है कि वो मैनेज करे, मेंटेन करे, मतलब मेंटेन करे अपने रिलीजन और चैरिटेबल, यानी कोई लोगों से चैरिटी ले रहा है तो बोले भाई मैं इस पर्पज के लिए चैरिटी, हमारा ग्रुप ले रहा है, हमारा सिस्टम, हमारी कमेटी ले रही है, ठीक है, नहीं तो वो कहेंगे ना किस बात पे तुम चंदा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं तुम टैक्स लगा रहे हो क्या, तुम गवर्नमेंट हो क्या जो टैक्स लगा रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो, आर यू गेटिंग। तो ऐसा कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है, या मैटर रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर रही है, तो मैनेजमेंट वगैरह का काम और इन सब तरह का पब्लिक नेचर का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन होना चाहिए कि आप अपने सेक्ट को मैनेज कर रहे हो। जैसे मुस्लिम लोग एक ट्रस्ट बना ले, एक सोसाइटी बना ले, तो एक उसमें एक सुन्नी लोगों ने बना लिया, एक बरेली लोगों ने बना लिया, एक अहले हदीस लोगों ने बना लिया, ऐसी हिंदुइज्म में कुछ लोग जैसे वैष्णविस्ट ने बना लिया, सिविस्ट ने बना लिया, तो ऐसे, या आनंद मार्गीज ने बना लिया, या रामकृष्ण मिशन वालों ने अपना एक पूरा मतलब सिस्टम बना लिया, तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है, एक सेट ऑफ डॉक्ट्राइन पे वो फॉलो करते हैं, तो उसको हम इस तरह से मानते हैं। रिगार्डिंग आरएसएस एक ग्रुप है, वो अलग तरीके से, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, वो हिंदुइज्म के अंदर एक मतलब एक वो है, ग्रुप है कह सकते हैं उसको, लेकिन उसका अलग सिस्टम ऑफ बिलीव और डॉक्ट्राइन नहीं है ना, वो तो हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रहा है, तो अलग तरीके से उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये है, उसके बाद में आपका आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, कंपेल नहीं किया जाएगा, कंपेल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, टू पे एनी टैक्स और प्रोसीड्स विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर, कौन सा वर्ड, पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब किसी रिलीजन को, एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट के लिए आप किसी करने के लिए आप किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, कंपेल नहीं करेंगे टैक्स, ठीक है, और टैक्स का पैसा उसके लिए खर्च नहीं करेंगे, ओके। दूसरा, द स्टेट क्या कह रहा है अगला, कि द स्टेट शैल नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द स्टेट शैल नॉट स्पेंड Shall not spend the public money, ठीक है, collected by the way of tax for the promotion and maintenance of any particular religion, ठीक है, clear? इसका violation बहुत सारी governments करती हैं, tax के पैसे से दुनिया भर का मतलब religious practice करवाती हैं और उसको, लेकिन ये violation है, ठीक है, तो ये गलत है, नहीं कर सकते आप tax के पैसे से, right? आप अपना चंदा कीजिए, अपनी कम्युनिटी से लीजिए और फिर करवाइए, ठीक है। द टैक्स कैन बी यूज टू प्रमोट एंड मेंटेन और रिलीजन, अगर आप प्रमोट कर रहे हो और ऐसी चीज कर रहे हो तो आप सारे टैक्स के पैसे से, अगर सारे रिलीजन को अगर प्रमोट कर रहे हो, ऑल रिलीजन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, तब होगा, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए सिर्फ कर रहे हो तो नहीं होगा, राइट। उसी तरह से द प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लिवाइव ऑफ द टैक्स नॉट द फीस, अब यहां पर टैक्स और फीस में फर्क समझ लीजिए, टैक्स के लिए होता है, टैक्स के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही हो, लेकिन फीस किसी सर्विस के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आप वैष्णो देवी जा रहे हैं या आप हज पे जा रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विसेज के लिए अगर कोई फीस चार्ज कर रहे हैं वो,
तो ये कोई गलत चीज नहीं है, बट टैक्स का टैक्स नहीं लगा सकते आपके ऊपर। ओके, तो टैक्स प्रोहिबिटेड है किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अगर वो आपको कुछ फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ आपको मतलब सर्विसेज दे रहे हैं और उसके लिए कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। ओके, क्लियर। 28 देखिए, 28 है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और द रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड। ओके, कोई भी रिलीजियसली कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं किया दिया जाएगा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो मेंटेन बाय द स्टेट फंड है। ठीक, पहली बात। दूसरा, नथिंग इन क्लॉज वन शैल अप्लाई टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। बता गई समझ? क्लॉज टू ने बात क्लियर कर दी आपको कि भाई माइनॉरिटी ही नहीं, अगर स्टेट फंड से आज वो एडमिनिस्टर हो रहा है लेकिन उसका जो जिस ट्रस्ट ने उसको बनाया था या जिसने भी उसका नींव रखी थी, उसका पर्पज ये था कि मुझे एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए मैंने रखा है, अब बाद में उसमें क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, पब्लिक अफेयर्स हो गया, उसको स्टेट फंडिंग करने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसमें बंद कर दें या कुछ। ठीक, कुछ नॉर्म्स फॉलो करेंगे लेकिन जरूरी नहीं है, अगर वो इस तरह से इस्टेब्लिश ही किया गया है तो। ओके, गेटिंग? जैसे जामिया इस्टेब्लिश किया गया या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं ऐसी, या कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन भी, तो माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्लॉज, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट और रिसीविंग द एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। ठीक है, या तो वो रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है या रिसीव कर रहा है एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और इन एनी प्रमाइसिस अटैच्ड देयर टू अनलेस सच पर्सन इफ सच पर्सन इज अ माइनर हिज गार्जियन हैज गिवन द कंसेंट देयर टू। क्लियर? ठीक, अभी अजान हो जान दो। कि इसका मतलब यह है कि देखो, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जो कि फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट है और उस पर एड स्टेट दे रहा है, उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पूजा पाठ सरस्वती पूजा वंदना कुछ करवा रहे हो या कोई और चीज़ करवा रहे हो, नमाज वमाज पढ़वा रहे हो या कुछ भी ऐसी एसेंशियल कोई चीज़, मतलब कोई रिलीजियस एक्टिविटी आप करवा रहे हो, तो आप किसी को भी फोर्स नहीं करोगे कि नहीं तुम कंपलसरी अटेंड करो बच्चे को, या किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, स्टेट फंड से फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आपको करना पड़ेगा नहीं तो हम नाम काट देंगे। अगर करना है, करवाना है उसको, अगर माइनर है, पहले तो उसका कंसेंट जरूरी है कि अगर वो करना चाहे तो करे, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन अगर वो माइनर चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं या इससे मतलब हम पूजा करवाने जा रहे हैं या उसमें ये पार्टिसिपेट करवाएंगे उसको, और उसके पेरेंट्स अगर अलाउड कर रहे हैं ठीक है तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप कंपैरेटिवली मान लो एक जगह नमाज भी पढ़वा रहे हो, रोज़ा भी करवा रहे हो, मान लो वो पूजा भी करवा रहे हो, पूजा और नमाज दोनों, नमाज पढ़ना सिखा रहे हो, पूजा करना सिखा रहे हो, मान लो दोनों चीज़ें हैं। अब कोई मुस्लिम है उसको आप कह रहे हो नहीं तू पूजा करना सीखेगा, कोई हिंदू है उसको बोल रहे हो तू नमाज पढ़ना सीखेगा, तो ये एसेंशियल आप उसको कंपलसरी नहीं कर सकते, राइट? आप कंपलसरी नहीं कर सकते, उसका मन कर रहा है वो सीखना चाहे सीख ले, लेकिन अगर वो माइनर है तो उसके पहले पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं करवा सकते उसे। ठीक है, क्लियर? यहां तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आती है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये टेक्स्ट बुक केस के नाम से बहुत फेमस केस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, टेक्स्ट बुक केस कहा जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी केस आया था ये 2002 में। ये इन्होंने बोला था कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है या एनडीए गवर्नमेंट जो है वो सेफ्रोनाइज करने की कोशिश कर रही है, भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है कि रिलीजियस किताबों का। ठीक है, ओके ओके, भगवाकरण, उसमें हिंदू रिलीजन को डालने की कोशिश कर रही है और ये चीज़। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा था कि कंपैरेटिव स्टडी अगर करवाने रिलीजन की, रिलीजियस फिलोसफीज की सारे रिलीजन को, तो वायलेटिव नहीं है वो आर्टिकल 28 का और ना ही सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। अगर सारे रिलीजन
उसमें इंक्लूड वो कर रहे हैं, हिंदुइज्म भी कर रहे हैं तो मुस्लिम भी कर रहे हैं तो सिख भी कर रहे हैं, तो मतलब रिलीजन जो मेन मेन रिलीजन इंडिया के हैं अगर उसको वो उसमें डाल रहे हैं, और डालने के बाद में जो है वो क्या नाम है उसको सबको कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं सारी फिलोसफीज को, तो ये सेकुलरिज्म का भी वायलेशन नहीं है और आर्टिकल 28 का भी वायलेशन नहीं है। इसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ठीक है। अब आपको कुछ भी लगता हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये दिया कि अगर कंपैरेटिव वहां साबित किया होगा कि भाई हम कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं, हमने और भी रिलीजन भी तो डाले हुए हैं। अब वो अलग बात है कि एक चैप्टर आपने एक रिलीजन का डाला और 10 चैप्टर आपने और उसमें थोड़ा सा एक डाल दिया बस, तो उसमें भी आधार है नहीं तो हम तो कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं, तो एक अलग लूप होल है। लेकिन आपने मतलब कर रहे हैं आप, आपने दोनों रिलीजन को अगर डाला है हुआ है या कंपैरेटिव स्टडी करवा रहे हैं फिलोसफीज का, तो उसमें कोई वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ओके। अब आता है आपका आर्टिकल 29, ठीक, बहुत आसान आर्टिकल है, कर लें, चलो कल कर लें, ठीक है, ठीक।